हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो क्यूट पोनीटेल हेयर स्टाइल। बिल्कुल न्यू है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग को एक और टिप्स देने वाली हूँ, जैसे आईब्रो फिल करने का सही तरीका क्या होता है। हम लोग डायरेक्ट पेंसिल उठाते हैं, फिल कर लेते हैं, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। एंड आईब्रो का लुक कैसे बिल्कुल परफेक्ट आता है वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं पोनीटेल हेयर स्टाइल बताऊँगी। सबसे पहले आपको इस टाइप का एक ब्रश ले लेना है, ओके। इस टाइप का ब्रश लेके अपने आईब्रोज पे इस तरीके से ऊपर की तरफ से सारा आईब्रो कर लेना है अपने पहले। उसके बाद सिंपली ऊपर से इस तरीके से कर देना है तो इसका लुक अच्छे से आ जाएगा। फिर आप जब इसको फील करोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा दोनों साइड। इस तरीके से पहले सारे आईब्रोज को ऊपर की तरफ करके, दैट्स इट। अब आपको जेल आईलाइनर ले लेना है, इस टाइप का पतला वाला ब्रश आता है वो ले लेना है। मैं दिखाती हूँ किस टाइप का ब्रश चाहिए आपको इसके लिए। इस टाइप का ब्रश चाहिए, ध्यान से देखिए, ओके। इस टाइप का ब्रश लेना है, ब्रश में जेल आईलाइनर को ले लेना है। उसके बाद पहले नीचे से आपको एक लाइन दे देनी है अपनी आईब्रो को, फ्रंट में एक बना देना है, देन ऊपर से। तो आप इस तरीके से आईब्रो फील करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपके आईब्रोज का। जैसे आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप डायरेक्ट ब्लैक कलर अप्लाई करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर तो अप्लाई कर लिया अपने आई शेडो पे। अब आपको इस टाइप का फ्लॉपी ब्रश लेना है एंड देन डार्क ब्राउन कलर लेना है, डार्क ब्राउन कलर, और अपनी आईब्रोज को फिल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर कलर में हो तो ब्लैक कलर बहुत अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद से आप इस तरीके से अपने आईब्रो पे डार्क ब्राउन कलर लगा दो तो आपके आईब्रोज का जो लुक होगा वो नेचुरल आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको आईब्रोज फिल करना है। इसके बाद आप अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो और आपके आई मेकअप का भी लुक, आईब्रो का लुक अच्छा होगा तो आई मेकअप का भी लुक अच्छा आएगा। तो डार्क ब्राउन कलर से मैंने इसको इस तरीके से फील कर लिया। सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ब्लैक एंड ब्राउन आईब्रो कलर मिक्स करके आईब्रोज फील करोगे तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आईब्रोज का। एंड नॉर्मल लुक, मतलब नेचुरल लुक दिखेगा, बहुत हैवी नहीं दिखेगा। तो आप इस तरीके से आईब्रो फील कर सकते हो। मैंने, मेरी आईब्रोज बहुत चौड़ी हो गई है तो आज आईब्रो बनवाने जा रही हूँ तो इसलिए मैं चौड़ा ही फील करना पड़ा। जिस तरीके से आईब्रो का शेप होता है उसी तरीके से आपको फील करना पड़ता है। तो आई होप कि पसंद आया। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि पोनी टेल हेयर स्टाइल कैसे बनाना है आपको। तो सिंपली पहले आपको इस तरीके से हेयर को लेना है। तो चलते हैं पोनी टेल हेयर स्टाइल बनाने। तो पोनी सब जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा उसके लिए मैंने इस तरीके से साइड पार्टीशन किया है, देन सारे बालों को अच्छे से कॉम करके एक साथ ले लिया है। इसके बाद एक रबड़ बैंड लेंगे और टाइटली लगा लेंगे अपनी पोनी में। लो पोनी टेल है, बहुत ही प्यारी लगेंगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से कर लिया है। देन आपको क्या करना है, नीचे से थोड़ा सा लेयर ले लेना है बालों का इस तरीके से। उसके बाद इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से और ऊपर की तरफ लाके एक नॉट लगा देनी है पोनीटेल में। नॉट लगा के यहाँ पे एक यू पिन ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारा जो ये लुक होगा वो वैसे का वैसे टिका रहेगा, बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, ओके। यू पिन लगा दिया, फिर नीचे की तरफ से इसको लेके आएंगे और फिर ऊपर की तरफ लेके आएंगे क्रॉस करते हुए और अगेन एक नॉट लगा देंगे, ओके। नॉट लगाने के बाद अगेन नीचे की तरफ हेयर को लेके जाएंगे, इस साइड के हेयर को ऊपर की तरफ करके क्लच से ऊपर की तरफ ही छोड़ देंगे एंड यहाँ पे एक पतला वाला रबड़ बैंड लगा देंगे जिससे कि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो बिगड़े नहीं। और ये रबड़ बैंड लगाने के बाद से इसको टाइट कर देंगे और क्लचर को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा, और इसके बाद से मतलब यू पिन को निकाल देंगे और हमारा हेयर स्टाइल वैसे का वैसे टिका रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल है,
जो कि काम बिल्कुल नया है, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा इस टाइप का यूट्यूब पे। आई हो सकता है कि बताया भी हो बट मैंने नहीं देखा है। तो ये मेरा फर्स्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल है, कैसा लग रहा है आप लोग को? यहाँ से मैं थोड़ा सा हेयर को खींचूंगी क्योंकि मेरे क्राउन एरिया में थोड़े से हेयर कम है, जिसकी वजह से बहुत फ्लैट लुक आ जाता है। तो मैं इसको यहाँ से खींचने से मेरा वॉल्यूम अच्छा दिखता है, तो मैं इसलिए खींच लेती हूँ। तो अगर आपके भी पतले बाल हैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से खींच सकते हो, और आपका फर्स्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया है। आप चाहो तो लेयर्स भी निकाल सकते हो, जब आप पोनीटेल बनाते हो तो लेयर्स निकालने से आपके फेस का लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल हो गया, कैसा लग रहा है? तो चलते हैं सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल के साथ, तो सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल के लिए भी आपको सिंपली एक पोनीटेल बना लेनी है, लो पोनीटेल। पोनीटेल बनाने के बाद से आपको इधर से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से ले लेना है, देन नीचे से थोड़ा सा सेक्शन लेना है बालों का, और इस हेयर के हेयर स्टाइल टूल के अंदर से इंसर्ट करते हुए ऐसे निकाल देना है। ओके, अगेन दूसरी साइड भी इसी तरीके से थोड़ा लेयर, वो हेयर स्टाइल टूल लगाना है, देन थोड़ा सा लेयर लेना है और इस तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद दोनों साइड के लेयर को पकड़ के नीचे की तरफ एक रबड़ बैंड लगा देना है। रबड़ बैंड ऐसे टाइटली लगा लेना है, रबड़ बैंड को लगा के टाइट कर देना है, देन इसको ओपन कर लेना है, और ये हमारा सेकेंड न्यू पोनीटेल हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड यूनिक है। तो आपको दोनों में से कौन सा पोनीटेल हेयर स्टाइल अच्छा लगा? आई होप कि पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की इजी एंड हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और आईब्रो फिल करने का ये तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इंस्टा आई डी पर जाइए, इंस्टा आई डी Preeti24 है, वहाँ पे मेरी फनी वीडियोज मिलने को मिलेगी, फनी वीडियोज रील्स वीडियो देखने को मिलेगी, एंड सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगी, डिजाइनर ब्लाउज, डिजाइनर ड्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।